का स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच में। और आप लोगों ने अभी जेएमएच न्यूज़ चैनल को देखते रहे, वहाँ पर आंगनबाड़ियों की खबरें हम देते थे, लेकिन जेएमएच न्यूज़ चैनल हैक हो गया। इस कारण से जेएमएच न्यूज़ चैनल पर आंगनबाड़ियों की खबरें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसी चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें नवनीत जेएमएच में। यहाँ पर सिर्फ आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें हम यहाँ पर देंगे, लेटेस्ट और मानदेय से जुड़ी हुई खबरें देंगे। तो नवनीत जेएमएच चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने ICDS कैश यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड पर 16 बाल विकास परियोजनाओं की खराब प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें 16 परियोजना अधिकारियों को चेतावनी जारी कर दी है और चेतावनी में क्या कहा गया है ये भी सुनिए। COVID-19 से बचाव के चलते केंद्र बंद होने के बाद भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग में लापरवाही की जा रही है और जिस कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय की जाएगी और घर से मोबाइल के माध्यम से कैश डैशबोर्ड पर काम न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक दिया जाएगा। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहा है लेकिन घर से काम करने की बात यहां पर कही जा रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो घर से काम नहीं करेंगी उन पर कार्रवाई होगी, ये खबर निकल कर आ रही है। तो कार्रवाई क्या होगी, उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। बड़ी हंसी आ रही है इस खबर को सुनकर, DPO का बयान सुनकर बड़ी हंसी आती है कि आखिरकार आंगनबाड़ियों का मानदेय 2 माह से पहले ही नहीं मिला है और ऊपर से DPO महोदय फरमान कर रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी काम नहीं करेंगी उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। खैर ये तो अच्छी बात है लेकिन जो मानदेय जो काम कर रही हैं बाकी में आंगनबाड़ियाँ उनका मानदेय कितना आ रहा है, कितना समय पर आ रहा है, बड़ी हंसी की बात है। 2 माह बीत चुके हैं फिर भी उत्तर प्रदेश से मानदेय नहीं आया और DPO यहाँ पर चेतावनी जारी करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं और कार्रवाई कैसी कार्रवाई कहते हैं कि मानदेय रोक देंगे, मानदेय नहीं दिया जाएगा। आखिरकार मानदेय के ऊपर सभी लोग क्यों जुड़े हुए हैं, जो CDPO है सुपरवाइजर इनको अच्छा खासा वेतन मिलता है, इनका वेतन रोका जाए, इन पर बड़ी कार्रवाई की जाए लेकिन आंगनबाड़ियों का वेतन जो काम कर रहे हैं उनका ससमय भुगतान जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन चेतावनी जारी की है DPO ने, इसी के साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी ने CDPO और सुपरवाइजर को भी चेतावनी दी है। यहाँ के DPO हैं जो बुद्धि मिश्रा, इन्होंने डैशबोर्ड की ऑनलाइन समीक्षा की है और जिसमें पाया कि बाल विकास परियोजना पिहानी कोथाम्बा हरपालपुर टनियाबा बावन अहिरूरी टोडरपुर सुरसा बिलग्राम सांडी कछौना भरावन मल्लावन मल्लावा एवं शहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फ़ोन अक्रियाशील है यानी कि काम नहीं कर रहे और जिससे कार्यकर्ताओं की ओर से घर पर रहकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, यानी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इनको फ्री नहीं रखना है और चाहे केंद्र खुले चाहे ना खुले लेकिन इनको कुछ ना कुछ जानकारी देते ही रहना है। अब सवाल ये है कि मोबाइल उत्तर प्रदेश में सभी जगह नहीं मिले, इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कहाँ से डाटा देंगी कहाँ से जानकारी देंगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ मोबाइल मिल गए हैं उसको लेकर यह बात कही जा रही है, हरदोई में संभवतः मोबाइल मिल चुके हैं, इसी कारण से यहाँ के DPO बुद्धि मिश्रा हैं यह बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि मोबाइल अक्रियाशील यानी कि मोबाइल काम ही नहीं कर रहे, बंद हैं, तो जिससे कार्यकर्ताओं की ओर से घर पर रहकर कोई काम नहीं किया जा रहा यानी कहीं ना कहीं से उनको छुट्टी नहीं दी जानी है और लगातार उनको क्रियाशील रखना है, विभाग का यह मतलब है और अधिकारियों का यह भी मतलब है। और यहाँ पर यह भी कहना है कि जबकि शासन की मंशा के अनुसार COVID-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र का संचालन न करते हुए घर से ही कार्यों को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं सुपरवाइजर की ओर से मॉनिटरिंग न किए जाने और निदेशालय की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब न दिए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। कहा गया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, 31 तक परियोजना के सभी केंद्रों के फोन को क्रियाशील कराते हुए सूचनाएं अपडेट करा ली जाएं। आपको बता दें निदेशालय स्तर पर जो भी सूचनाएं मांगी जा रही होंगी उसको लेकर DPO ने निर्देश जारी किए हैं, CDPO सुपरवाइजर लापरवाही दिखा रही थी इसको लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं और आंगनबाड़ियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अपने फ़ोन क्रियाशील रखें और फ़ोन बंद न रखें। क्या कहते हैं आप कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। नवनीत JMS सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो भी आंगनबाड़ी बहनें JMS न्यूज़ चैनल पर अभी तक जुड़ी थी वो नवनीत JMS को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें यहीं पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से ताकि आपको रोजाना खबरें मिल सकें अपडेट मिल सकें। नमस्कार।